हर बॉडी शेप अपने आप में यूनिक होता है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका बॉडी शेप कैसा है। वो इसलिए क्योंकि हर दिन नए फैशन ट्रेंड्स आते हैं, लेकिन ये फैशन का जो ट्रेंड है और ये स्टाइल और डिज़ाइन हर बॉडी शेप पर अच्छा लगेगा या नहीं ये ज़रूरी नहीं होता। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपका बॉडी शेप कैसा है ताकि आप उसको जो है स्टाइल भी उसके अकॉर्डिंग ही करें। इसी बीच आता है एप्पल बॉडी शेप। अगर इस बॉडी शेप को डिफाइन किया जाए तो इसमें बेसिकली लीन शोल्डर्स होते हैं और बेली के अराउंड जो है थोड़ी बल्किनेस होती है, वहीं लेग्स जो है वो प्रॉपर टोन्ड होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी फिगर भी कुछ ऐसी ही है तो हम इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ टिप्स बताने वाले हैं जिससे आप अपना लुक जो है और एलिवेट कर सकती हैं और स्टाइलिश बना सकती हैं और तो और आप जो है बेहद खूबसूरत भी लग सकती हैं। एप्पल शेप बॉडी की अगर बात की जाए तो इसमें बेली के अराउंड जो है बल्किनेस होती है, इसलिए जब भी आप स्टाइलिंग कर रहे होते हैं आपको माइंड में ये रखना चाहिए कि आप लोगों का ध्यान जो है बेली नहीं बल्कि दूसरे एरियाज की तरफ डलवाएं। और इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप टॉप पहन रहे हो तो उसके नेकलाइन पर खास ध्यान दें। जी हाँ, अगर आपकी एप्पल शेप बॉडी है तो आप ट्राई करें कि वी नेक हो गया या फिर राउंड नेक या स्क्वायर नेक या फिर स्वीट हार्ट नेकलाइन ट्राई करें, टर्टल नेक्स को बिल्कुल अवॉइड करें। वेल, इसका एक और तरीका है कि अगर आपने टर्टल नेक पहनी है तो उसमें से आप ऐसे वी नेक या फिर स्क्वायर नेक स्कूप आउट करवा सकते हैं ताकि आपका लुक जो है और खूबसूरत लगे। वहीं अगर बात की जाए इस बॉडी शेप की तो इसमें जो है वेस्ट लाइन डिफाइन नहीं होती और आपको जो है ध्यान कहीं और करवाना है तो इसके लिए आप पफ स्लीव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, मार्केट में कई तरह के स्लीव्स के डिजाइन आ चुके हैं, पफ स्लीव्स हो गया, फ्रिल स्लीव्स हो गया, इनको अगर आप ट्राई करते हैं जो आपका लुक है वो और एसेंचुएट होता है क्योंकि लीन शोल्डर्स हैं। तो जब आप लीन शोल्डर्स पे ऐसे पफ स्लीव्स वाले टॉप पहनते हैं तो आपका लुक जो है और खूबसूरत लगता है। वहीं अगर तीसरी टिप पर आए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें वेस्ट लाइन डिफाइन नहीं होती तो आप एक और तरीका जो है अपना सकते हैं, दैट इज टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल वेस्ट लाइन। जी हाँ, ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि अपने बस्ट के नीचे एक बेल्ट ऐड कर सकते हैं टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल वेस्ट लाइन। ये एक आर्टिफिशियल इल्यूजन देगा कि वहां आपकी वेस्ट लाइन है और काफी पतली भी है। इसी वजह से आप जो है एथनिक वेयर में आप ऐसे सूट भी ट्राई कर सकते हैं जो कि जिसमें वेस्ट लाइन आर्टिफिशियली डिफाइन हो रही हो, फॉर एग्जांपल फ्रॉक स्टाइल हो गया, नारकली हो गया या फिर अंगरखा स्टाइल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एप्पल शेप बॉडी टाइप में जो है लोगों के जो पैर हैं वो टोन्ड होते हैं। जी हाँ, टोन्ड लेग्स होते हैं और इसी वजह से आप साइड स्लिट ड्रेसेस ट्राई कर सकती हैं। यही नहीं, आप स्कर्ट शॉर्ट्स ये सब ट्राई कर सकती हैं जिसमें आपके लेग्स दिखाई दें। एक और टिप जो इसमें मैं देना चाहूंगी वो ये है कि आप स्किनी जीन्स को अवॉइड करें। ओवरऑल देखा जाए तो एप्पल शेप बॉडी टाइप में जो है ऑलरेडी बल्किनेस दिखती है वो भी अपर बॉडी में, तो अगर आप स्किनी जीन्स पहनते हैं तो इससे क्या होगा कि लोगों का ध्यान अगेन आपके अपर बॉडी पर ही जाएगा और आपका ओवरऑल लुक जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ट्राई करें कि ऐसे पैंट्स पहने जिसमें फ्लेयर हो या फिर बेल बॉटम्स हो या फिर स्ट्रेट फिट हो, क्योंकि ये आपके लुक को और खूबसूरत बनाएंगी। एक और टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी वो ये है कि जब भी आप पैंट्स पहन रहे हैं या फिर जीन्स या फिर स्कर्ट्स ही क्यों ना पहन रहे हो, ध्यान रखें कि उसको हाई वेस्ट रखें। ये फिर से जो है आपके एक आर्टिफिशियल इल्यूजन क्रिएट करने में मदद करेगा कि आपकी एक वेस्ट लाइन है। तो ये तो थे वो सारे टिप्स जो एप्पल शेप बॉडी टाइप के लोग फॉलो कर सकते हैं। आपको इन टिप्स के बारे में पता था या नहीं हमें कमेंट करके बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।